सात बार खत्म हुई, सात बार नहीं बसी है। पिरामिड टाइप का है, स्लैंटिंग, इवन 60-90 मिलियन ईयर्स भी हो सकता है। सभी का चैनल पे स्वागत है और ढोला विरा आया हूँ कच्छ में जो है, और यहाँ पे 5000 साल पुराना जो एक सिटी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक सिटी है ढोलावीरा करके, वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरे जो मित्र है दीपक जी है, दीपक जी संजोत, तो ये यहाँ के ऑफिशियल गाइड है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज मुझे ये देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आप ढोलावीरा आते हो तो मैं दीपक जी का नंबर डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, आप वो देखो, और अगर आप यहाँ पे आओगे तो इनको डेफिनेटली कॉल करके पूरा हिस्ट्री जो है और जो सराउंडिंग का ज्योग्राफी है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप इनसे ले लेना। उसके अलावा वीडियो की शुरुआत करता हूँ, वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो लेकिन पर्सनली आके देखने में अलग मज़ा है पूरा सराउंडिंग को इन्जॉय करने में। और दीपक जी स्टार गेजिंग में भी इंटरेस्टेड है, तो रोज़ मैं यहाँ पे 5 या 6 दिन हूँ, तो रोज़ सुबह शाम को आके हमारा स्टार गेजिंग भी होता है। मेरा नाम दीपक संजोट है। अब जो देखने आए उसको हम हरप्पन शिवालय सिंधु घाटी की सभ्यता उसका पूरा लेआउट प्लान है, जो साइट पूरा 800 हेक्टर में पूरा, यानी 250 एकर्स में। अच्छा, 250 एकर में, 250 एकर में उस पूरा आप देखेंगे, आप आइलैंड में आप रह रहे हैं तो मेन इम्पोर्टेंट है पानी, तो पानी के लिए 2 सीजनल रिवर है, क्योंकि यहाँ कोई बहती रिवर नहीं है। जब भी बारिश होगा हाँ तभी तो ये हिल से, हाँ हिल से पानी आएगा, यहाँ से डैम से पानी रोकेगा यहाँ। अच्छा, ये रोक के पानी जो रिजर्व में डाइवर्ट करे, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ऐसे करके पानी फिल हो जाएगा और सेडिमेंट स्पेस सिटी का अराउंड था पानी, बीच में सिटी में सिटाडेल मीनिंग फोर्ट, गड, अपर टाउन, हाई क्लास, दुर्ग जो हम हिंदी में। अच्छा, मेन जो जहां पे रिच पीपल उस टाइम का राजा रहते थे, या फिर ये उसी टाइम का जो भी रॉयल सिस्टम से भी पहले की बात है, यीशु भगवान से 3000 साल पहले, यानी उस टाइम जो बुद्धिजीवी जिसके पास बुद्धि हुई, क्योंकि राजाशाही में क्या हुआ, तो राजा का लड़का ही राजा बने, इसमें ऐसा नहीं था। सिटी 7 बार खत्म हुई, 7 बार नहीं बसी है, बट अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग ने उसको, एक कोई फैमिली से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये सिटाडेल है, सिटाडेल है। अच्छा, ये सर इसको नाम है मिडल टाउन, मिडल टाउन यानी सी रूट से व्यापार करने वाले मर्चेंट आर्टिजन और उसका व्यापारी वर्ग। अच्छा, जो यहाँ का जो सी रूट से व्यापार कर दिया, ईरान, इराक, ओमान, इजिप्ट, उसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोला जाता है, मेसोपोटामिया ईरान, इराक, ओमान, और इजिप्ट यानी मिस्र की सिविलाइजेशन। अच्छा, इसको इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी उसी सी रूट से व्यापार करते थे बेसिकली। अच्छा, यहाँ सी था, अभी जो डेजर्ट दिख रहे हैं वाइट रण, पहले 3.5 से 4.5 हजार साल पहले समुद्र था, तो सी रूट से व्यापार करते थे लोग। तो ये व्यापारी थे, ये लोअर टाउन है, लोअर टाउन यानी नॉर्मल पीपल, स्लम विस्तार, आम आदमी। 1900 क्या उस टाइम का जो फोटोग्राफ है हम देखेंगे। अच्छा, अच्छा। पूरा ये 12 मीटर पूरी ये डिग किया है पूरा सिटी को, इसमें 7 लेयर मिले, 7 स्टेज मिला, 7 स्टेज सिविलाइजेशन मिला पूरा। ये जैसे कि सबसे नीचे उसको अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, हम ऊपर देखें उसको लेट हड़प्पन बोला जाए। लेट हड़प्पन बेसिकली 1500 BC, मेच्योर हड़प्पन 1900 BC, अर्ली हड़प्पन 3000 BC। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो स्टेज वाइज लोगों ने जो रहा है, और अलग अलग जिसके ये अकेले ये ढोलावीरा ऐसी है साइट मिली है, उसमें एक जो बरियल मिला विदाउट स्केलेटन, ओके, यानी डेड बॉडी नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली ज्यादा माइग्रेट कर गए यहाँ से। ओके, ये अकाल पड़ेगा या सूखा पड़ जाएगा तो यहाँ ज्यादातर यहाँ लोग छोड़ के चले जाएंगे। आइलैंड है ना बेसिकली, पानी नहीं होगा लाइफ नहीं रह सकती है। अभी नीचे तक गए नहीं हम, 90% बाकी है, 10% अभी एक्सोशन किया 1990 से 2005, जो 15 ईयर्स काम किया। जो मन्नार रिवर है, यहाँ 2 सीजनल रिवर थी, मॉनसून रिवर, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में अकेली ऐसी सिटी थी, कोई यहाँ कोई बहती रिवर नहीं है, क्योंकि आप आइलैंड में घूम रहे हैं, ये बेट है पूरा ये, इसके अभी जो रन देख रहे हैं पहले समुद्र था, तो इसलिए सी रूट से व्यापार होता है। तो यहाँ आपको पीने का पानी मेन इम्पोर्टेंट है, वो ये पानी कहाँ से आता है, हिल से आता है, पीछे से ऊपर में, ऊपर से आप हिल दिखाऊंगा, तो हिल से पानी आएगा और इस रिवर में यहाँ से पूरा डैम, वो डैम का वॉशन है। अच्छा, डैम का पानी रोक के पानी पूरा डाइवर्सन कर, तो
चेक डैम अभी बना था, 5-10 साल पहले भी सिस्टम था डैम बनाने का। अच्छा, तो यहाँ पे आगे है? हाँ, ये आगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पत्थर थोड़े अलग लग रहे हैं। हाँ, ये पूरा बेसिकली दिस सेडिमेंट रॉक है। अच्छा, क्योंकि पहले सी था ना। हाँ, इसी में ये देख रहे, ये पूरा फॉसिल दिखता है आपको। इसमें आप देखेंगे सी सेल देखेंगे आपको ये। अच्छा, ये फॉसिल है सभी। हाँ, ये सेडिमेंट रॉक है, इसको सेडिमेंट रॉक, क्योंकि ये समुद्र में जो डिपॉजिट मिट्टी होती है, इसमें संकले सिंपले जो जम के रॉक बनता है। अच्छा, वो कई मिलियन साल पुराना होगा। ये 180, 160, 190 मिलियन ईयर्स भी हो सकता है। सभी ये सब जुरासिक एज के है सर। ये सब इसमें भी थोड़ा सा। हाँ, ये एक्चुअली ये सैंडस्टोन बेसिकली सेडिमेंट रॉक है। सैंड पूरा डिपॉजिट, पूरा प्रेशर से रॉक बनता, उसको भी हम सेडिमेंट रॉक बोला जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स सब सेडिमेंट, क्योंकि एक ये भी आइलैंड से उभरा हुआ प्रदेश है ना, ये वोल्केनिक से के अर्थक्वेक से बाहर हुआ है प्रदेश, ये पहले आइलैंड यानी इसे बनते ना इसे। ओके, तो ये सब, तो ये इतना बड़ा बांध, ये बांध था यहां से यहां तक, पूरा पूरा डैम का पोर्शन है पूरा, देख रहे हैं आप। ये उसी एक्सेशन में निकाला गया 1990 से 2000 बाइक के बीच में ही निकल गया। अच्छा, दक्षिणी जलाशय लिखा है सर, तो यहाँ कहाँ पे है एक्चुअली? साउथर्न रिजर्व यहाँ से, यहाँ फोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर रॉक मिला है। अच्छा, ये दक्षिणी जलाशय है जो साउथ में, ये यहाँ फॉर वाटर। अच्छा, ये पूरा एक्सेशन नहीं किया, एक्सेशन वो किया। अच्छा, यहाँ पे समझने के लिए फर्स्ट ये रिजर्वर, इसका ओवर फ्लो और उसका सीढ़ी ओपन किया, यहाँ से पानी इसमें आएगा। हाँ, और वो यहाँ पे छोटा होल दिख रहा है, वहाँ से ओवर फ्लो, उसके नीचे से ओवर फ्लो के आगे जाने वाला है। यहाँ सेडिमेंट बैठ जाएगा, ऊपर से पानी फिल्टर रहेगा और पानी को बाहर ले जाने दूसरा मेंटेनेंस के लिए स्टेप है। अच्छा, वहाँ पे स्टेप्स है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ का पानी फिर आगे वाले स्टेप में बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से सेडिमेंट है स्पेसिफिक। अच्छा, मोस्टली सिंगल रॉक का है, देख रहे हैं सिंगल रॉक का इस्तेमाल किया। आप पानी को बाहर ले जाने के लिए रैंप लगा हुआ है, यहाँ से आप रैंप देखेंगे। अच्छा, बुलेट कार है, पानी को। अच्छा, ये रैंप लगा है, मतलब बैल स्टेप है, उसके सामने आप स्टेप देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ से पानी यहाँ से, फिर अंडरग्राउंड यहाँ से, यहाँ पे आगे से बताऊंगा। हाँ जी, तो यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। अच्छा, तो मेन अभी ये ही रिजर्वायर है या फिर ये मुख्य जलाशय बोलेंगे? हाँ, मुख्य जलाशय सर, इसके भी आगे भी पानी जाएगा, हम यहाँ से। अच्छा अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। ये पानी जब भर जाएगा तो आगे और फ्लो, ये डैम की तरह, देखिए ये बाहरी जो आउटर वॉल है ना, ये ऊपर है और नीचे वाली, यानी और फ्लो हो जाएगा। अच्छा, सेडिमेंट्स में पानी और फ्लो, इसके बाद में नहर है, देखिए आगे, आगे छोटा नहर दिख रहा है वहाँ। तो आगे अभी पूरा डिगिंग नहीं किया, एक्सकर्शन नहीं किया, आगे भी और सब मिल सकता है। अच्छा अच्छा, पूरा एक्सकेवेशन बाकी है, और भी बहुत सारा एक्सकेवेशन बाकी है अभी, ये 90% बाकी है, अभी 10% निकाला। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से हम जो ओवर फ्लो की साइड देखेंगे, यहाँ से नीचे से पानी आता है, उसमें से जो ओवर फ्लो देखा था, यहाँ से पानी आता है। जी, थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ से प्रॉपर दिख जाएगा आपको। हाँ, यहाँ से पानी निकालना है, यहाँ से बीच में यहाँ पे कुछ होल जैसा दिख रहा है, तो वहाँ से पानी अंदर आएगा ओवर फ्लो का। ऑलमोस्ट सिंगल लॉक है, सिंगल लॉक से पूरा पूरा बना है अंदर। अच्छा अच्छा, और आगे पानी यहाँ पे ओवरफ्लो किया जाएगा, और बाकी वहाँ पे एक नहर है छोटी सी, वो आगे जाएगा। और इसमें पूरा पूरा सी फॉल्ट लाइन है, देख रहे हैं हम। हाँ जी, फॉल्ट लाइन है पूरा ये। यस, बट ये लोग जो बसे थे ना, इससे आगे का फॉल्ट लाइन है, क्योंकि इसमें वो GSI ने स्टडी किया, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये फॉल्ट लाइन 5000 साल इससे भी आगे का, क्योंकि ये जो इसके ऊपर लोग फॉल्ट लाइन के ऊपर ये लोगों ने पूरा बसाया, इतना फॉल्ट होगा ये सब तो गिर जाएंगे ना सर। तो ये गिरा नहीं, इसमें वॉल में फॉल्ट कोई नहीं है, बट स्टोन में फॉल्ट है, इसका मतलब इससे आगे का भूकंप है। हमारा अर्थक्वेक 5 जोन में, तो एवरी 50-100 ईयर्स में बड़ा अर्थक्वेक आता रहता है। हाँ, तो
ये 4,000-5,000 का आगे का है, ये बाद में लोगों ने बसाए है। तो ये जैसे रिवर सीजनल रिवर जैसा होगा, ये देख रही है यहाँ, इससे पता चलता है यहाँ सीजनल रिवर होगा, इसके ऊपर लोगों ने ये बनाते गए। अच्छा, आधे आधे दोनों से आधे को सिर्फ ये पॉलिशिंग करते गए और इसको पूरा बना के चला है। अच्छा, ये बेली का ही है, बेली में एंट्री है भाई। हाँ, अच्छा, अभी एंट्री कर रहे बेली में। तो मेरे को थोड़ा गुजराती नहीं आता, तो ये कच्छ में पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा रिजॉर्ट है ना। हाँ, ये वाला रिजॉर्ट है ना मेरा, ये रिजॉर्ट है आपका, ये। तो वीडियो में शायद नहीं दिखेगा इतना, बट अभी हम लोग थोड़ा सा सन अपोजिट ना, इसलिए नहीं, सन इधर होगा तो सब दिखेगा क्योंकि सन अपोजिट है। तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी फोर्ट के अंदर हमारा एंट्री हो गया, बेली एरिया साइड में। बेली से अभी फोर्ट हम वहाँ से एंट्री कर, वेस्ट गेट से रहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा फोर्ट 90 डिग्री एंगल में जो बनाया है, एक एक स्टोन पूरा पॉलिशिंग करके ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनाया है। तो ये इजिप्ट का जैसे पिरामिड टाइप का है, स्लांटिंग वॉल है, ये वॉल जो है स्लांट है ना, थोड़ा पूरा स्लांट है, और एक एक स्टोन को पूरा बारीकी से रखा है। आप देख यहाँ से इसका इंटरलॉकिंग देखेंगे आप एकदम दंग रह जाएंगे। तो यहाँ से आप स्मॉल पत्थर देखेंगे, स्मॉल है ये, बिग है, स्मॉल है, बिग है, स्मॉल बिग स्मॉल बिग, यानी छोटा बड़ा आप देखेंगे वॉल को बैलेंसिंग ही, यहाँ जो स्मॉल होगा यहाँ बिग हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे छोटा ये ऑटो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरा छोटा हो जाएगा। okay. ये बड़ा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, यहाँ छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं। समझा समझा। तो वॉल को अर्थ की गाएगा तो हमारा अर्थ वॉल को क्या करे, उसको अर्थ इसको जो ग्रेविटी जहाँ हेवी उसको क्या खींचेगा ना, तो इसको बैलेंस कर रहा है, सही बैलेंसिंग हो ना इधर की नहीं। दूसरा ऐसा है क्योंकि ऐसे बनाने से क्या फायदा रहता है, ऐसे डिजाइन से वेट नीचे लोड नीचे रहेगा, बराबर अर्थ में हिलेगा गिरेगा नहीं, पिरामिड शेप जैसे ही बना देगा। दूसरा ये सैंडस्टोन है, इसमें इसमें पोरस रहता है तो ये पानी को सोख लेगा, इसमें हवा आती रहे हमें क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर। हाँ, तो ये सामने जो रन दिख रहे हैं, सामने वो जो रन दिख रहे हैं ना, दूर है यहाँ से। हाँ, तो ये पहले समुद्र था। अच्छा। ये अर्थक्वेक आएगा तो साथ में सुनामी भी आएगी, बराबर। तो सुनामी आएगी तो इसको इसको वेव ऐसे करके वापस आएगी, ये एकदम स्लांट है इसे, दिख रहे हैं। अच्छा, तो इसका ये अर्थक्वेक प्रूफ है, सुनामी प्रूफ भी हो गया। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी तरह आर्किटेक्चर की बनाया है, वेरी गुड, नाइस नाइस। हम तो ऐसे अब सोच भी नहीं सकते। हाँ, बहुत सोचे हुए ग्रेनरी स्टोरेज है यहाँ पे। हाँ, फोर मिले, एक दो तीन चार, पर ये सब 4 मीटर डीप थे, 12 फीट जैसे डीप थे। अच्छा, इसमें ऐसा ही को अनाज के एविडेंस मिले, इसी आधार इसको अंडगार बोला। अच्छा, वो एविडेंस के बेसिस पे नीचे 4 मीटर डीप। हाँ, ये 4 मीटर डीप है। अच्छा, 4 है अभी तक सब, ओनली फॉर सिटाडेल के लिए मिला अभी। अच्छा, मिडल आगे आगे भी बहुत है ना, मिडल लोअर डाउन। ये भारत सिटी, यानी भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये 1500 से 2000 सिटी साइट जो हैं अभी, तो उस टाइम इसमें लार्जेस्ट 5 सिटी आप देख रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, इंडिया में राखीगढ़ हरियाणा। अच्छा, अलीबंग राजस्थान, ये तो उसी टाइम के लार्जेस्ट 5 सिटी में से एक, ये यूनिक सिटी है। इसमें आप देखेंगे ये बिल्ड टू सैंडस्टोन, दूसरी साइड देखेंगे बिल्ड टू बनब्रिक मडब्रिक से बनी हुई है। अच्छा, ईंट में इसमें अंदर जो दीवार में ईंट यूज किया, बाहर आउटर वॉल सब ये जितने स्ट्रक्चर बने हुए सब ये स्टोन ब्रिक है, क्योंकि साइलैंड में स्टोन ब्रिक अवेलेबल है, सैंडस्टोन लाइमस्टोन सेडिमेंट मोस्टली वही यूज किया। अच्छा, और ये पीछे पूरा ये छोटा सा सिटी जैसे रेसिडेंशियल एरिया, पूरा रेसिडेंसी ये इस शहर का रेसिडेंस यहाँ पे मोस्टली होता है। ये मोस्टली ये 6 और 7 स्टेज के। अच्छा, 6 और 7 स्टेज, इसके नीचे तो सिटी है, 7 स्टेज है ना, 7 बार डिस्ट्रॉय सिटी है। अच्छा, तो इसके ऊपर आक्रमण भी हुए? आक्रमण नहीं हुई। अच्छा, ये ऑटो तब तो ये वेपन नहीं था ना। अच्छा, इसके ऊपर ये नेचुरली डिस्ट्रॉयड बोल सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट यानी अर्थक्वेक सुनामी और अकाल। अच्छा, सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाएगा लोग। यहाँ से देखेंगे सेंटर में रास्ता था 6 स्टेज में, ये पिलर देख रहे हैं, तो हाफ सिटी इज नॉट एक्सेसिबल, हाफ एक्सेसिबल, आधी निकाला आधी अभी बाकी है पूरा। अच्छा, यहाँ पे एक्सकेवेशन नहीं हुआ, लेफ्ट राइट साइड में आधा ही निकाला। अच्छा, आधा वाला ही यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुआ। तो मोटा मोटा चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। और ये सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट देखें, वेल है पीने का पानी, नहाने का,
और दूसरा इससे पहले बीड वर्कशॉप मोती मन के बनाया साला जो आप म्यूजियम में देखे ना, बीड यहीं से पाई गई। अच्छा, तो अच्छा। डिगिंग करके यहाँ से ऐसे मिला, अभी म्यूजियम में रखा हुआ बीड वर्क। अगेट जास्पर कानली लापिस लजुली अकीक जो मनके होते ना, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, ईरान अफगानिस्तान इजिप्ट राजस्थान से पत्थरा था, सिर्फ बीड मेकिंग कर यहाँ सिर्फ ओनली फॉर पॉलिशिंग होते हैं। अच्छा, पॉलिशिंग पॉलिशिंग करके एक्सपोर्ट होते हैं। अभी ये का जो सेम काम सूरत काम कर रहा है। अच्छा, सूरत रॉ मटेरियल बाहर से आता है, यहाँ डायमंड सिर्फ पॉलिशिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। सेम सिस्टम 5000 साल पहले। अच्छा अच्छा, ये बीड वर्कशॉप है, ये मोती मन की बनाने की शाला है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर उनको मिले थे beads। हाँ, मिले थे पॉलिशिंग अनपॉलिशिंग, स्टूल बैठने का आप सीटिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर बैठ के मेकिंग करते थे। अच्छा, तो वस्तु एविडेंस मिला है बीड, तो इसलिए उसको बीड वर्कशॉप। अच्छा, मतलब इसमें वस्तु मिला इसलिए उसको नाम देते बीड। वेल है, वेल में से पानी कैसे निकालते, रोप मार के, रोप वो यहाँ से आप रोप मार देख रहे हैं, रस्सी के मार के। अच्छा अच्छा, ये देख रहे यार, इसी पानी खींच के। अच्छा, ये रोप मार के ये पत्थर के ऊपर। हाँ, पत्थर के ऊपर यहाँ से खींचने के बाद वो इरोड हो गया और वो मार्किंग आ गई है। हाँ। या फिर उन्होंने बनाए होंगे शुरुआती में। नहीं, वो नेचुरली बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा 500,000 साल अब यूज करेंगे तो ये नेचुरली बढ़ जाएंगे। 50 साल भी यूज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये तो बहुत, यानी कि 1500 साल रहे थे या 3000 BC to 1500 BC। अच्छा, ये यहाँ का जो साइट का हमारे ओलावी देखा 2650 to 1450 BC, यानी कि ये 1200 साल रहे बिफोर सेंचुरी। बिफोर सेंचुरी मतलब 2000 साल अभी के और वो 3000 वो साल अलग, 5000 साल हो गया। वो पानी यहाँ से आएगा, पानी खींच के यहाँ जो भी बेल होगा, पुली अभी तक नहीं, पुली होगी जो भी होगी, सांस खींच के यहाँ से पानी को नीचे जाएगा, यहाँ से पानी सोल में सब यहाँ से आप लेंगे। यहाँ इस हॉल में से पानी पीने और नहाने में जरूरत है। अच्छा, यहाँ से पानी ट्रांसफर होता है। यस यस, आगे यहाँ पे पीने का और नहाने का पानी, पीने का, ये पीने का है और नहाने का। अच्छा, पानी यहाँ से आएगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सिस्टम बनाया है पानी आने के लिए। पानी आएगा तो पानी यहाँ से आएगा तो पानी ऐसा राउंड घूमेगा क्योंकि दीवार को हिट करेगा, वो हाइट है वो डाउन। अच्छा, वो हाइट है हम देखेंगे। हाँ, उसको थोड़ा हाइट है, थोड़ा वो डाउन है। अच्छा, पानी ये फोर्स पूरा स्लांट करेगा, पानी स्लांट करेगा तो पानी दीवार को हीट करेगा, राउंड घूमेगा, सेंटर में धूल मिट्टी बैठेगी, पानी यानी पूरा सेडिमेंट नीचे बैठ जाएगा, पानी फिल्टर रहेगा। ओके, ये जो बड़े बड़े सैंड स्टोन दिख रहे हैं, बड़े बड़े स्टोन है हाँ, साइड में लगा हुआ, इसके पीछे तो बैंडो डालने के लिए, इसके पीछे मुल्तानी मिट्टी का दीवार है। अच्छा अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का भी लेयर है इसके पीछे, पानी को ये लीक नहीं करेगा, पानी ठंडा रहेगा। अच्छा, ओके ओके, ये सीक्रेट है यहाँ का। बहुत सही है, बहुत सही। वाटर पॉट स्टैंड है। अच्छा, पानी मटका रखने के लिए स्टैंड, मटके रखने के, वो हाफ स्टेप है क्योंकि पानी नीचे तक हम नहीं जा सकेंगे, लास्ट यहाँ तक वाटर फिल रहेगा। यहाँ से छोटे बर्तन पानी भर के मटके में डाल के मटके से पानी पीने के लिए, मटका ये रहता है। बराबर है, बराबर, परफेक्ट। ये नहाने का, यहाँ पे नहाने वाला पानी है। ये उसका सवर बात है, बस भी अभी मड भर गया है, अभी बारिश आया था। अच्छा, ये अच्छा। सबसे पहले स्टेप नीचे आ रही है, स्टेप नीचे आ रही है, और दूसरा देखेंगे तो उसमें अब रफ स्टोन है, नहाने के बाद लाइम स्टोन स्पेशल लगाया हुआ है। अच्छा, ओके, स्टोन है इसमें, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन इज हार्ड रॉक है ना। यस, स्लिप नहीं कर सकता, स्मूथ नहीं, सैंड फॉर स्मूथ होता है। हाँ जी, तो ये वेल से पानी यहाँ से आते हैं, यहाँ से पानी आएगा, इसके नीचे राउंड पत्थर है, पत्थर को बैठ के ऊपर से पानी गिरते हैं, वाटर वहाँ पे नीचे कुछ तो दिख रहा है। हाँ, ये पानी आने के लिए, पानी आने का इनपुट के लिए, पानी
नीचे राउंड पत्थर है, पत्थर बैठ के और बीच में एक कुंडी है, इसके अंदर स्टोन है, स्टोन वाला हटाएंगे अंडरग्राउंड से गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, नीचे से अभी जो जो मड भरा हुआ है बारिश की वजह से भर गया, उसके नीचे सिस्टम है। रेसिडेंसी है, आप स्क्वायर घर राउंड राउंड देखेंगे, लेटर फन है पूरा ये। अच्छा, ये हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, यहाँ से इसका एंट्री। अच्छा, ये हॉल है इसका, ये पूरा सेंटर में पूरा रास्ता था जो बीच में अब राउंड स्ट्रक्चर है, उसको राउंड हट जो बुंगा बोला जाता है। अच्छा, बुंगा। अभी अभी जो हम अभी भी हम जो स्टे कर रहे हैं अपने को ऊपर ये बुंगा जैसे घर राउंड स्ट्रक्चर है, लेट हड़पने थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और ये हमको बुंगा जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल बुंगा है घर जो है गोल, और वहाँ पे उसका एंट्री है। तो इससे इससे नीचे स्क्वायर घर है। अच्छा, ये भी साइड 90 डिग्री के इसके ऊपर लोगों बस है ना ये। अच्छा, तो ये स्क्वायर 6 स्टेज के ऊपर 7 स्टेज ने बनाए हैं पूरा ये। ओके ओके, आगे भी आप देखेंगे स्क्वायर था, इसके ऊपर राउंड बनाया है। अच्छा, ये स्क्वायर पहले इसके नीचे स्क्वायर था, उसके ऊपर बुंगा बनाया है। सिटी ऊपर आज जैसे कि अकाल पड़ेगा लोग छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे आते आते बनाए होते फाउंडेशन बने होते इसके ऊपर लोगों ने, उसका जैसे राउंड डिजाइन है राउंड बनाया है। राउंड डिजाइन इसलिए क्यों लोग तब तक समझ चुके थे ये अब अर्थक्वेक 5 जोन में तो भूकंप भी आते रहते हैं, दूसरा कि सुनामी भी आएंगे, तो राउंड स्ट्रक्चर ऐसा इसमें कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो अर्थक्वेक में दीवार स्टोन एक दूसरे जुड़े रहेंगे। अच्छा, 90 डिग्री से निकल जाएंगे, 90 डिग्री निकल जाएंगे तो दीवार गिर जाएगा ना, बराबर एक दूसरे कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है इसमें कोई, बराबर है, तो निकलेगा नहीं कहीं से पत्थर, गोल बना दिया। दूसरा हवा ज्यादा रहे विंड डाइवर्ट हो जाए, हाँ विंड उसको हीट नहीं कर रहा, इसको हीट करेगा स्क्वायर को उसको हीट नहीं कर सकता है, तो पूरा विंड डाइवर्ट हवा डाइवर्ट हो जाएगी, वहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, वो तो इसमें से ऐसा माना जाता है वेस्ट जो रखने के लिए मटका होता है ना, हाँ जी उसके रखने के लिए, ये घर के अंदर का पार्ट है जस्ट किचन जैसे, बाहर का है। अच्छा, बाहर का है क्या, बाहर का पार्ट है। अच्छा, ये ऐसा ये भी देख रहे जो वो वेस्ट वाटर होता है ना उसका मटका रखने के लिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े मटके मिले हैं ना, हाँ जी हाँ जी, बीच देखा बड़ा बड़ा मटका मिला है, तो ये वेस्ट वाटर का। अच्छा, वेस्ट वाटर के लिए होता है, कुछ वाटर सिस्टम भी आप बताओ। हाँ, नीचे जो मेन इसका सीवेज सिस्टम था, ये छोटे छोटे मिट्टी चैनल से पूरे ये मटके में पानी जाता था। अच्छा, ओके, और हम ऊपर हम देखेंगे रेन वाटर है, बारिश का पानी रूफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ के पार्ट है। अच्छा, रूफ का पानी जाएगा मेन चैनल में, ये पानी पूरा सेडिमेंट्स पे पानी जाएगा वाटर में, ओके रिजर्वायर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में पूरा ये जी, पानी पूरा नीचे जाएगा, पानी जाएगा वाटर में, क्योंकि ये ऊपर से देखेंगे यहाँ से पानी आएगा, दीवार को हीट करेगा, सर्कुलेशन मारेगा, सेडिमेंट्स पे से पानी फिल्टर रहेगा, धूल मिट्टी मिट्टी बैठते बैठते पानी पूरा फिल्टर रहेगा। अच्छा, वो फिर वो मिलने के लिए वहां पे ही जाएगा, रिजर्वायर में जाएगा, रिजर्वायर से पानी मैन्युअल ले सकते हो। अच्छा अच्छा, पहले पानी जितना भी हाइट का, छत का, रूफ का, सीलिंग का पानी होता है, जितना भी पानी है पूरा वाटर्स में सेव करके बाद में जाना। काफी अच्छा इन्होंने से वाटर सिस्टम बनाया था, नेक्स्ट रेन तक पानी को स्टोरेज करना है। अच्छा, क्योंकि दोस्त ने रिवर तो था मनहरन मानसा, इसका भी पानी सिटी में डाइवर्ट करके डालते, ऊपर का बारिश का पानी भी यहाँ हाइट का होता है ना, सीटाडेल मिडल टाउन जितना पानी रूफ का रहता है वो भी पानी इसको वाटर्स में, सिटी का अराउंड 60-70 वाटर्स। अच्छा, तो बहुत बड़ा मतलब ये सिटी तो बहुत बड़ा है अभी तो 100 हेक्टर में मतलब 250 एकड़ में है, 250 एकड़ को अभी एक्सप्लोर करना है, एक्सकेवेट करना है तो बहुत टाइम जाएगा, तो बट ऊपरी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं जितना भी आज तक ASI को पता चला है और GSI को पता चला है, बराबर है। जी, इसका नॉर्थ एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस गेट है, ये आने जाने दोनों साइड रास्ता। अच्छा, यहाँ पे भी लास्ट ये लोगों ने इस्तेमाल किया। अच्छा, तो यहाँ रास्ता था, नीचे पूरा स्टेडियम है, 300 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड, ह्यूमन रेस, एनिमल रेस, मार्केट, मनोर स्टेडियम है पूरा। अच्छा, इसके पीछे अब सीटिंग हो, एम्पी थिएटर देख रहे हैं सीटिंग देख रहे हैं, तो ये पूरा दीवार से पीछे पूरा मिडल टाउन है, इसको मिडल टाउन बोलेंगे, ये हरे पेड़ देख रहे हैं, लाइट के पूरी से साइड पूरे, उसको लोअर टाउन बोला जाता है, सीटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन,
कि ये आउटपिक्स मॉल है, ये 100 एकड़ में साइट हुआ है। अच्छा 100 एकड़ से सिटाडेल का हाफ पार्ट देख रहे हैं। अच्छा तो बहुत बड़ा साइट है, सामने भी कंस्ट्रक्शन है, उसके पीछे भी कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत दूर दूर तक कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम लोग अभी मेजर पार्ट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। तो दिस इज नॉर्थ गेट, नॉर्थ गेट में वहाँ से भी एंट्री था और यहाँ से भी एंट्री है, तो ये एक ही है। अच्छा तो अभी एक ही है। ओके यहाँ जो साइन बोर्ड था डिसाइफर नहीं कर पाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, इसी वजह से साइन बोर्ड गिर गया होगा उसके, ये शहर के नीचे प्रिजर्व किया है। सर ये होल क्या है? ये एयर डक्ट है जो इसका मेन रूफ का पानी होगा, वो छोटी चैनल से पानी आएगा इसका मेन चैनल में, ये चैनल का पानी जाएगा रिजर्वायर में पूरा, तो उसको वहाँ से मेंटेनेंस, जब बारिश खत्म होगा उसको मेंटेनेंस करने के लोग अंदर से उठते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ हैं। अच्छा आगे है क्या? हाँ, अंदर जो आप जो ज्यादा अंदर आएंगे तो अंधेरा रहेगा, उसको हमको ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये एयरडक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया उस टाइम ये। अच्छा बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, अभी हम इतना नहीं रखते उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख के बनाया था। और ये पूरा कवर अप है ना? हाँ, ये पूरा बंद है, ये पूरा इसके ऊपर स्टोन रहे हैं और इसको कवर अप किया गया। ये भी सिस्टम बहुत बढ़िया, अब यहाँ देखो पानी कितना साफ करके बन के चलते हैं ईस्ट गेट की तरफ। इसका ईस्ट गेट इज नैरो गेट का, मेन एंट्रेंस नॉर्थ था, ड्यूक साइन बोर्ड मिला बराबर, और वेस्ट गेट इज नेम। अच्छा ये पहले रास्ता था, रास्ते के बीच में भूंगा है, ये बीच में जो लोड बेयरिंग रहता है, सेंट्रल पिलर रहता है, इसके ऊपर रूफ रहेगा पूरा बराबर है, तो ऊपर का रूफ रहेगा वुडन रूफ रहेगा उस टाइम के। ओके तो इससे नीचे स्टेज 7 है, 6 स्टेज में इससे नीचे रास्ता था, दो पिलर दिख रहा है। हाँ जी हाँ, हाँ। पिलर पूरा सेंटर में रास्ता है, यहाँ से आप देखेंगे आधी सिटी इधर आधी इधर है, ये सेंटर में रास्ता आ रहा है बराबर है, और ये बीच में ही भूंगा है। नहीं ये अलग स्टेज है, यानी कि ये थर्ड पर लास्ट लोग हैं, 7 स्टेज है। अच्छा ये 7 स्टेज, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज है। 6 स्टेज तक ये यहाँ से जो रास्ता था इससे आगे, इससे पहले था। हाँ जी, जब रास्ता था तो रास्ते का पानी जाएगा यहाँ, तो ऊपर का जितना भी पानी है, पानी पूरा यहाँ पूरा अंडरग्राउंड से पानी अंदर नीचे से वहाँ से बाहर निकलता है, रिजर्वायर में पूरा रेन वाटर। अच्छा जितना पानी है बारिश का पानी सेव करते हैं। तो ये सिटी के लोगों ने या फिर जो कुछ भी चला था उसने सबसे इम्पोर्टेंट पानी के ऊपर ध्यान दिया। यस ओके, ईस्ट गेट है, पिलर है, और ये यहाँ जो चैम्बर है, एक चैम्बर है, चैम्बर के ऊपर रूफ रहेगा, रूफ का पानी नीचे करेगा, वो पानी छोटे चैनल से पूरा वाटर मिलेगा। आगे भी वाटर का रिजर्वायर, ईस्टर्न रिजर्वायर, सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर है। अच्छा तो दिस इज ईस्टर्न गेट है, ईस्टर्न गेट, और यहाँ से ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ, अंदर आने नीचे जाने के लिए एकदम ये नैरो गेट था। अच्छा ईस्टर्न गेट है जिसका 3 गेट पाए गए थे ना, हाँ उसमें ये पहले ये लोग नीचे भी जाते थे, ऐड किया दिख रहे, हाँ ये बाद में एडिशन हुआ यहाँ पे, भी हुआ ये भी हुआ दिख रहे, पहले ये की गया इतना था बड़ा था, हाँ जी इसके बाद में बंद कर दिया, पहले लोग नीचे से जाते थे तो सीधे यहाँ से निकलते, देख रहे हैं, हाँ बराबर ये दिख रहा है, हाँ ये भी था, इसके बाद में ये भी इस्तेमाल किया है लोगों, तो अलग अलग टाइम में स्टेज वही है, लोग उसको ऐड करते गए, जितना सिटी बहुत बड़ा था लास्ट, लेट हड़प्पन ने सिटी बड़ा था और लोग इतने पॉपुलेशन कम था, जो जितना इस्तेमाल किया दूसरे को इसको बंद करते गए, इसको पूरा बंद करते गए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा गेट होगा, मेंटेनेंस भी बड़ा था। हमने पूरा जो है ढोलावीरा का जो सिटाडेल है, ये सिटी है, ये पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। दीपक जी ने बहुत अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया अपने वीडियो में देखा, तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।